हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग बच्चों नीट 2023 के लिए एक फुल कोर्स का प्रिपरेशन शुरू करेंगे। पहले क्लास 11 के पूरे सिलेबस को हम लोग फ्रेश करेंगे, फिर क्लास 12 के सिलेबस पे हम लोग पहुँचेंगे। तो आज जो क्लास 11 के एकदम फर्स्ट चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे वो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि हमारे 11th क्लास का भी कह सकते हो फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। वैसे तो फर्स्ट चैप्टर है, मगर हम लोग जो अभी शुरू करेंगे वो होगा फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। हमारे प्रिपरेशन का पूरा एक तरीका क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ये सारी बातें हम लोग एक एक करके समझेंगे करेंगे। तो वैसे जो बच्चे फ्रेशर हैं, इस साल 12th में हैं और नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद नीट का प्लान कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे ड्रॉपर हैं जो इस साल पूरा पूरा समय लेकर के नीट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उन सब के लिए एक ये बहुत फुल फ्लेज में एक कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग के सिलेबस को पढ़ने का तरीका क्या होगा, हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे इफ़ेक्टिवली हम लोग फिजिक्स में मैक्सिमम स्कोर्स कर सकते हैं, ये सारे हम लोग बात करेंगे इस पूरे कोर्स के दौरान। क्या हमारा स्ट्रेटेजी होगा, क्या प्लान होगा, कैसे हम टाइम मैनेज करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, ये सारी बातें हम लोग को धीमे धीमे करके पता चलेगी कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए टुवर्ड्स नीट 2023। बट आज तो हम लोग शुरू करेंगे ही यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बट कोई भी चैप्टर शुरू करने के पहले हम लोग ये ज़रूर देखेंगे कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से या उस चैप्टर के अंदर कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक से नीट एग्जामिनेशन में पिछले 8, 10, 12 सालों में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें कैसे अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होगा, किसी गिवन चैप्टर में क्या कोई खास टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर हमको ध्यान देना होगा, ये सारी बातें हम लोग इस पर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। और बिफोर वी स्टार्ट नीट्स एंड मेजरमेंट, हम लोग जरा एक बार गौर कर लें कि पिछले 10-11 सालों में इस चैप्टर से नीट के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, या इम्पोर्टेंट है भी या नहीं, या बहुत इम्पोर्टेंट है या ठीक ठाक है, ये सारी बातें समझेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले इसका एनालिसिस, किस चैप्टर का पूरा एक निचोड़ क्या है, नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वेटेज क्या है, तब फिर हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, चलो ये मैं कुछ ईयर लिख रखे तुम लोगों के लिए कि किस किस साल में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफ़ी अच्छे से पूरे 10-11 साल के पेपर का एनालिसिस किया है, पूरे क्वेश्चंस को देखा है क्या उनका पैटर्न पूछने का। तो वो जो एनालिसिस है वो एनालिसिस के बेस पर कुछ बातें तुमको मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे को बहुत हेल्प करेगा। ये 2022 से शुरू करते हैं। 2022 यानी कि अभी कुछ दिन पहले, शायद लगभग 1 मंथ पहले जो नीट का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें डायमेंशन और यूनिट्स एंड मेजरमेंट डायमेंशन जो भी चैप्टर में सारे टॉपिक को मिला के बात करेंगे, दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तुमको 45 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। 50 में से दो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे और वो दोनों क्वेश्चन डायमेंशन के थे, दोनों क्वेश्चन डायमेंशन के थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अभी कराऊंगा, फटाफट अपने आप वैसे क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे। तो दो क्वेश्चन पूछे गए, दोनों ही डायमेंशन के थे। फिर अब क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसे थे वो आगे हम लोग बात करेंगे, मतलब ये है कि डायमेंशन सेक्शन से पूछे गए थे। फिर जब हम लोग 2021 के पेपर को देखते हैं तो अगेन हम लोग पाते हैं कि यहाँ से फिर दो क्वेश्चन पूछे गए डायमेंशन से ही, एंड द टॉपिक वॉज डायमेंशन इज वेल। तो टॉपिक फिर डायमेंशन था, नंबर ऑफ क्वेश्चन फिर वही दो थे।
अब सेक्शन ए में थे, सेक्शन बी में थे, ऐसे में कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन पूरे पेपर की बात को दो क्वेश्चन थे। 2022 जो कि हम सबके लिए बहुत बुरा साल था, है ना, इस ईयर को देखते ही अजीब किस्म की बातें आती हैं। तो ये जो बहुत ख़राब किस्म का साल था 2020, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही ख़राब था, है ना, किसी का अच्छा होगा तो आई डोंट नो, बट इस 2020 में जब कोरोना के समय में डिसमिशन हुआ, तो उसमें इस चैप्टर से, इस खूबसूरत चैप्टर से तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो तीन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन स्क्रू गेज का था, ठीक है, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर पे भी हमको ध्यान देना है, ठीक है। बताऊंगा तुमको क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है एकदम सीरियसली। तो स्क्रू गेज एक टॉपिक था, ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन डायमेंशन से था, डायमेंशन यहाँ भी आया, और तीसरा क्वेश्चन था सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर भी इसका एक बहुत अच्छा हिस्सा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूँ, स्क्रू गेज, दूसरा क्वेश्चन डायमेंशन, एंड तीसरा क्वेश्चन था सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत आसान क्वेश्चन थे, एकदम समझ लो कि फ्री का क्वेश्चन था वो सारा, अगर ढंग से चैप्टर पढ़ लिया हो तो तीन क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया था आराम से। तो तीन क्वेश्चन 2020 में आए, 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया, और वो एक क्वेश्चन पूछा गया था यूनिट से, है ना, किसी इफ आई रिकॉल शायद कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कि तुमसे इसमें सिर्फ यूनिट पूछी गई थी, यूनिट क्या होती है, कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी शायद, जहाँ तक मुझको ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो ये यूनिट से एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन था। 2018 सरप्राइजिंगली एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, और तुम बिलीव करोगे 2018 का जो फिजिक्स का पेपर था वो थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ जितने साल लिखे हैं अगर कंपेयर करूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत मुश्किल था, पर ठीक है, इन सब के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा था पेपर। 2017 अगेन एक क्वेश्चन डायमेंशन से पूछा गया था, सिर्फ एक क्वेश्चन डायमेंशन से। 2016 अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम डायमेंशन। 2015 अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम डायमेंशन। 2014 अगेन वन क्वेश्चन अगेन फ्रॉम डायमेंशन। अब देख लो किस चैप्टर में किस चीज़ की सबसे अधिक इम्पोर्टेंस है, तुम खुद जज करो। देन आफ्टर 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और वो था बेटा एरर से, एरर भी सब पढ़ेंगे हम लोग, एरर से बहुत कुछ इस चैप्टर में वो पढ़ना है। तो 2013 में एक क्वेश्चन फ्रॉम एरर। इफ वी मूव टू 2012 एक क्वेश्चन था, एंड दैट वाज फ्रॉम डायमेंशन। तो ये एक पिछले 10-11 साल का एक एक आइडिया तुम्हारे सामने मैंने दिया, इस चैप्टर से इस तरीके से इनके पूछने का तरीका है। तो अगर ध्यान से इस चीज़ को तुम देखो तो कोई भी बंदा इस चीज़ को बता सकता है कि सर इस चैप्टर में डायमेंशन तो बड़े काम की चीज़ है। डायमेंशन से एक्चुअली वजह क्या है पता है, वजह क्या है कि डायमेंशन से थोड़े वैरायटी ज़्यादा मिल जाते हैं क्वेश्चन पूछने। अब यूनिट्स में कोई वैरायटी मुश्किल से नहीं मिलेगी तुमको, एरर में वही कुछ न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन होंगे, है ना, मेजरमेंट पे स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो डायमेंशंस हैं इससे बहुत वैरायटी क्वेश्चन बन सकते बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुश्किल लगता है कि डायमेंशन से इनका ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का मेन वजह ये होता होगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम पूरा पूरा फोकस डायमेंशन पर दें और बाकी पर ना दें, ऐसा नहीं, ठीक है। एक आइडिया मिल गया डायमेंशन पर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, मगर बाकी चीज़ों को भी ध्यान से पढ़ना है। हर फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट्स सारे बच्चे अच्छे से याद रखेंगे, ना याद हो तो फॉर्मूले के हेल्प से तुरंत तुरंत निकालने आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले तो याद करना ही है, आज नहीं कल तो करना ही याद, तो उसको यूज़ करके हम लोग यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। अब से कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पूछा तो याद थोड़ी करना है यार, फॉर्मूला दिखा है फट से यूनिट निकाल लिया। फिर मेजरमेंट में स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर के
कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसकी बात हम लोग करेंगे, और एरर एनालिसिस। एंड एक चीज़ मुझको बहुत एक अंदर से लग रहा है कि इस साल आने का पूरा चांस है, और वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स 2023 में ऐसा मुझको लग रहा है कि क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो अपार्ट फ्रॉम डायमेंशन, हमें किस किस की बात करनी है? यूनिट्स अच्छे से सारे फिजिकल क्वांटिटी की। दूसरा, यूनिट्स के बाद मेजरमेंट की बात कर लेंगे, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज दो सफिशिएंट। तीसरा, एरर, मेजरमेंट में एरर कैसे फाइंड करते हैं। चौथा, सिग्निफिकेंट फिगर, और पांचवा, डायमेंशन तो वही है। तो ये चार पांच टॉपिक हैं जो इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार और बहुत ही काम का बनाते हैं नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना मत, बहुत आसान चैप्टर है और मार्क्स गेनिंग चैप्टर भी है। ठीक है, तो ये बात समझने के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर और स्टार्ट करते हैं यूनिट। मैं शुरुआत करूँगा डायमेंशन से ही, यूनिट से डायमेंशन शुरू करेंगे, देन विल मूव टू एरर या फिर मेजरमेंट, एंड देन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यूनिट्स और डायमेंशन हम लोग एक साथ ही कवर करेंगे क्योंकि तो दोनों आपस में इंटरलेटेड है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। ओके, तो अब हम लोग फॉर्मली अपना चैप्टर शुरू करते हैं, और एक बात बहुत है ना कि बहुत बेसिक से, एकदम ज़ीरो से हम लोग शुरू करेंगे। कहाँ से बातें शुरू होती हैं, एकदम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमको शुरुआत है, लेकिन हमें शुरुआत एकदम बेस से करना होगा, एकदम ज़ीरो से। ठीक है, कि हमको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, हम एकदम ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करेंगे, एक एक बातों को धीमे धीमे समझेंगे, फिर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे, एकदम हम्बल्ड होकर के। एकदम ज़ीरो से मैं शुरू कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, बेस क्वालिटीज़ क्या होती है, यूनिट्स क्या होते हैं, सिंबल क्या होते हैं, फिर डायमेंशन की बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिक्स में 7 फंडामेंटल और बेस क्वालिटी को डिफाइन किया गया है। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसको समझने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत ना पड़े, दोस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल या बेस। बेस इन द सेंस कि इन्हीं के ऊपर पूरा आगे का यूनिट्स बनेगा, बाकी आगे के फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए ये लोग बेस का काम करते हैं, ये 7 लोग जिनको तुम बोलते हो फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी। ठीक है, और क्या क्या है और देखते हैं। जो सबसे पहले बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी की हम बात करते हैं, वो क्या होती है, लेंथ। ठीक है, लेंथ की SI यूनिट हम सब जानते हैं क्या होती है बच्चों, मीटर। इस यूनिट को हम लोग सिंबल में कैसे लिखेंगे, स्मॉल m। ठीक है, यूनिट्स को कुछ बच्चे कभी कभी पूरा लिख देते हैं, जैसे कभी आंसर आया तो 10 मीटर पूरा लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ सिंबल लिखा रहता है 10 m, स्मॉल m हो गया तुम्हारा यूनिट। ठीक है, तो स्मॉल m इज़ द सिंबल। एंड डायमेंशन की बात किया जाए तो एज वी ऑल नो दैट कि डायमेंशन ऑफ लेंथ इज कैपिटल L। ठीक है, अगली फंडामेंटल क्वांटिटी जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होती है, मास। मास की जो SI यूनिट है वो बहुत भली भांति हम परिचित हैं, किलोग्राम से। ठीक है, सिंबल इसका kg और डायमेंशन इसका मास। ठीक है, थर्ड इज ऑब्वियसली टाइम, जिसकी यूनिट हम कहते हैं भाई SI यूनिट सेकेंड है, सिंबल इज छोटा सा स्मॉल s एंड डायमेंशन इज t। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं, तो हमें मुलाकात होती है
इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट क्या होती है भाई, एम्पियर। सिंबल इसका ए, डायमेंशन भी इसका ए, ठीक है। थर्ड इज, सॉरी नॉट थर्ड, हम तो पांचवे पे आ चुके हैं, थर्ड की बात क्यों हो रही है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज केल्विन। सिंबल इज ऑब्वियसली के, कैपिटल के, डायमेंशन भी इसका के होता है। कहीं कहीं पर थीटा भी लिखा हुआ तुमको मिल सकता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, बट ज़्यादातर लोग के ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद दो और क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इसका जो एसआई यूनिट होता है वो बड़ा ही फेमस है, दैट इज कैंडेला। सिंबल छोटा सा सीडी, डायमेंशन भी सीडी, या कभी कभी कहीं कहीं तुमको जे भी मिल सकता है, कभी कभी कहीं कहीं तुमको जे भी इसका डायमेंशन देखने को सुनने को मिलेगा। हालांकि बहुत यूज़ नहीं है इसका हम लोग के जो हमारे को पढ़ना है, बट फिर भी कैंडेला का डायमेंशन सी डी और जे भी कह सकते हो। आगे हम चले तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज द सेवेंथ, जिसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, मोल, जिसका सिंबल होता है मोल, एम ओ एल। डायमेंशन भी इसकी एम ओ एल, या कभी कभी कैपिटल एन भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, ठीक है। हालांकि जो लास्ट टू है वो बहुत हमारे पर्पस का नहीं है, हमारे पढ़ाई के दौरान इन लास्ट का, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बहुत कम तुमको यूज़ मिलेगा। ज़्यादातर यूज़ तुमको ऊपर के जो पांच हैं उन्हीं पे हमारा आगे काम बनने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, आगे हम कुछ शुरू करें, आगे हम कुछ पढ़ें, उसके पहले ये चीज़ें एकदम अच्छे समझ लो। सात, बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, ये उनके फंडामेंटल यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स, ये उन यूनिट्स का सिंबल, और ये उनके डायमेंशन। आगे जो भी डायमेंशन हम लोग पढ़ेंगे या आगे जो भी यूनिट्स हम लोग पढ़ेंगे, वो सारे यूनिट्स इन्हीं के टर्म्स में, इन्हीं के डायमेंशन के टर्म्स में हम लोग लिखेंगे या लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग डायमेंशन लिखें, उससे पहले ये चीज़ जानना हमको ज़रूरी था, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लो, तो हम लोग फिर आगे चलते हैं। तो ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना। अभी इसके अलावा जो और क्वांटिटीज होती है, इसको क्या तुम कहते हो, डिराइव्ड क्वांटिटीज ना, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का हम लोग यूनिट्स और डायमेंशन कैसे निकालेंगे, क्या ज़रूरी है हमको पढ़ना, तो बिल्कुल ज़रूरी। जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, छोटे से छोटा हो, वेलोसिटी हो, स्पीड हो, वहाँ से शुरू करेंगे, अंत तक जाएंगे, तभी हमारे क्वेश्चन के करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसे करने के बाद हम लोग शुरू करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशन कैसे लिखी जाएंगी, ठीक है। तो कॉपी इट, तो फिर शुरू करें हम लोग आगे की बात जल्दी। तो शुरुआत हम लोग करेंगे डायमेंशन से। सबसे पहले जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे सिलेबस से मेंशन है, 11 ट्वेल्थ के पूरे सिलेबस में, हमारा पहला काम ये होगा कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फाइंड किया जाए। याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुमको उस फिजिकल क्वांटिटी से जुड़ा कोई फॉर्मूला तुमको याद होगा तो डायमेंशन फाइंड हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यूज़ करते करते याद हो गया तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं भी याद है तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला अगर रिकॉल कर सकते हैं डायमेंशन निकालना कोई दिक्कत नहीं।
तो सबसे पहले हम लोग जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इन सब के डायमेंशन को देखेंगे, फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे इनसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। जो हम डायमेंशन हम लोग लिखे अभी, वो डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का था। अब उन्हीं के बेस पर हम लोग अलग क्वांटिटीज़ का, जिनको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, उनका हमको डायमेंशन एक एक करके लिखना होगा, देखना होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर वन पे स्पीड या वेलोसिटी। देखो, हो सकता है तुम्हें सब बहुत लोगों को लगे कि यार अरे सर भी स्पीड वेलोसिटी ये सब क्या बता रहे, सब हम लोग को पता है। तो देखो, एक्चुअली होता क्या है ना, हमें किसी भी चीज़ की शुरुआत, बहुत कुछ आता है, सब कुछ है, हमेशा एकदम ज़ीरो से, बेसिस बेस से करना चाहिए। ठीक है, अच्छा है, आता है, वेल एंड गुड, बट हमेशा शुरुआत जब भी करेंगे एकदम फ्रॉम ज़ीरो, लाइक कुछ नहीं आता है, फिर से शुरू करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्पीड और वेलोसिटी से। स्पीड या वेलोसिटी का अगर हम बात करें, स्पीड की बात करें, हालांकि दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ तो नहीं है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज, मगर स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस हम सब जानते हैं क्या होता है। बट अभी डायमेंशन में इनके बीच के डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, बस इनके किसी भी फॉर्मूले को ले लो, चाहे स्पीड को लो चाहे वेलोसिटी को लो। स्पीड को लोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी लोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, दोनों ही केस में, चलो मैं स्पीड को ले लूँ, तो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट वी से इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है कि नहीं। अब डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ की डायमेंशन जैसा कि हम जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी है एल, टाइम की डायमेंशन जैसा कि हम जानते हैं टी। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमें क्या मिल गई, एल टी टू द पावर माइनस वन। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन, बहुत जगह यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा इसका फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। दूसरे डायमेंशन की तरफ चले तो एक्सेलरेशन की बात किया जाए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जैसा कि हम सब जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर लगा दूँ ज़्यादा बेहतर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम सब जानते हैं। अब वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, डायमेंशन दोनों का सेम ही होगा, यूनिट दोनों के सेम ही है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी टू द पावर माइनस वन, और टाइम का डायमेंशन तो एज यूजुअल टी होगा। अब ये टी ऊपर गया तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या मिल गया, अब अलग एल टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को समझो पहले क्या होता है। चलो, थर्ड इज फोर्स का निकाल लिया जाए। फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए बड़ा जाना पहचाना फोर्स का फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए। तो फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा, मास का डायमेंशन एज यूजुअल वी ऑल नो दैट एम, एक्सेशन इज एल टी माइनस टू। तो फोर्स, शायद मेरे ख्याल से फोर्स का डायमेंशन जितनी बार हम लोग लिखेंगे पढ़ेंगे यूज़ करेंगे, दूसरा शायद कोई फिजिकल क्वांटिटी इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होगा, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो फोर्स और एनर्जी ये दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका डायमेंशन हम इतना यूज़ करेंगे कि हमको यूज़ करते करते याद हो जाता है ना। तो फोर्स का डायमेंशन इज एम एल टी माइनस टू। इफ वी मूव अहेड तो हम लोग लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या, है ना। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन एम एंड वेलोसिटी का डायमेंशन एज यूजुअल एल टी माइनस वन। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन एम एल टी माइनस वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। नेक्स्ट इज, जो कि बहुत ज़्यादा हमको जरूरत पड़ेगी, दैट इज एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब एनर्जी या
अगर किसी को कोई डाउट हो तो याद रखना कि वर्क का भी डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बच्चे कभी कभी परेशान होते हैं कि सर एनर्जी का पढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी का नहीं पढ़ाया, पोटेंशियल एनर्जी का नहीं पढ़ाया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नहीं पढ़ाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नहीं पढ़ाया। एनर्जी चाहे जो ही सी भी हो, काइनेटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एनर्जी, जो भी हो, एनर्जी के डायमेंशन सारे जगह सेम होगा। अभी 2022 में ही एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो कॉलम वाला क्वेश्चन था, मैच करना था। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। अरे, जो एनर्जी का डायमेंशन है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी होगा। तो अब एनर्जी के आगे पीछे क्या लिखा है उसको ध्यान से देख करके हम लोग सोच सकते हैं कि डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो चाहे काइनेटिक एनर्जी की बात करो, चाहे पोटेंशियल, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, चाहे फिर वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें, अगर वो एनर्जी है तो सबका डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। कोई भी एक फॉर्मूला ले लो जिससे एनर्जी का डायमेंशन निकाल सके। तो कोई सा फॉर्मूला, तो क्यों ना बहुत बेसिक फॉर्मूला लिया जाए, जैसे हाफ एम यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो नंबर्स, न्यूमेरिक्स का डायमेंशन तो होता नहीं, डायमेंशन तो फिजिकल क्वांटिटी का होता है, वन और टू तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, ठीक है। तो न्यूमेरिक्स का डायमेंशन नहीं होता। मास का डायमेंशन एज यूजल एम, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी टू द पावर -1 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी -2। काइनेटिक एनर्जी का मतलब कोई भी एनर्जी से है, ठीक है, या के मतलब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का मत सोचना, वो तो के फॉर्मूले का था इसलिए के आ रहा। किसी भी एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी -2 ही होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे अगर हम चलते हैं तो वी गेट इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला बहुत लोग याद होगा। इम्पल्स की मीनिंग जो है वो तो देखेंगे हम लोग बाद में। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इस फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, है ना। किसी बॉडी पर अगर तुम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगाते हो तो इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड और वो टाइम ड्यूरेशन का मल्टीप्लीकेशन, तो इट इज़ इम्पल्स। आगे बातचीत करेंगे इम्पल्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इसको पढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल अभी डायमेंशन की बात करेंगे, फॉर्मूले से काम चलाएंगे। तो एफ इन टू डेल्टा टी इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी -2, इम्पल्स का डायमेंशन टी, तो क्या मिलेगा एम एल टी -1, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ हमने देखी कि यार इम्पल्स का डायमेंशन और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन दोनों तो सेम है। हाँ, तो है, तो है। ये डायमेंशन का एक कह सकते हो खास प्रॉपर्टी है, ड्रॉब है, क्या, उस सब बात हम बाद में करेंगे, बट ये चीज़ होती है। यूनिट डिफरेंट होंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के, बट डायमेंशन सेम हो सकता है, ठीक है। तो कोई बहुत नई बात नहीं, तो बहुत फिजिकल क्वांटिटीज तुमको मिलेंगी जिनके डायमेंशन सेम होगा, और ये अगर पता है तो और अच्छी बात है कि किनका डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। तो उनमें से एक लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स का डायमेंशन सेम होता है, इस बात को यहाँ पर बैठा लो, ठीक है। तो आगे चलेंगे, जल्दी से कॉपी करो फटाफट, तो फिर आगे चलें। ओके, तो सबने कर लिया होगा, तो इन सबको अब हटाते हैं। और पहले कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन मैं लिख रहा हूँ ताकि वो डायमेंशन तुमको एक चीज़ और मैं तुमको बताऊँ पहले, आगे बढ़ने से पहले। जैसे हम लोग बहुत अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन पढ़ेंगे, बट शुरुआत का जो डायमेंशन मैं लिखूँगा, शुरुआत के जो 10-12 डायमेंशन होंगे, वैसे तो मैं कभी नहीं किसी को कहता हूँ कि डायमेंशन याद कर लो, हमेशा कहता हूँ कि यार फॉर्मूला याद करो, डायमेंशन निकाला होगा, ठीक है। बट फिर भी अगर शुरुआत के जो बहुत बेसिक डायमेंशंस हैं 10-12, एनर्जी, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, मोमेंटम, इम्पल्स, पावर,
ये सब अगर हमको याद होगा तो आगे जो बड़े बड़े हैवी हैवी डायमेंशंस निकालने हैं वो उनमें हेल्प हो। तो वैसे तो मैं कभी नहीं बोलता कि भाई डायमेंशन याद को, मगर जो शुरू के 10-12 अगर याद कर लोगे तो काम बहुत आसान होगा। ठीक है, तो सिक्स्थ के बाद चलते हैं सेवन्थ की तरफ। और सेवन्थ है बहुत बढ़िया सा फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है डेंसिटी। ठीक है, एंड डेंसिटी इज जैसा कि बचपन से पढ़ते आए हो, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास का डायमेंशन एम, वॉल्यूम इज लेंथ क्यूब, है ना। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या मिल गया, एम एल टू द पावर -3। ठीक है, एम एल -3 इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। अब शायद डेंसिटी का तुमको कभी ना पूछे, कभी जरूरत ना पड़े शायद, लेकिन कहीं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त तुमको डेंसिटी के डायमेंशन की ज़रूरत पड़ जाए, तो जाहिर सी बात है फिर कभी तुमको उसका डायमेंशन थोड़ी एग्जाम में पूछेगा। मगर शायद किसी क्वेश्चन में तुमको डेंसिटी की डायमेंशन की जरूरत तुमको पड़ जाए उसको सॉल्व करने की, तो इसलिए डायमेंशन जो बेसिक्स है उनको याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। एट्थ की तरफ चले और प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर प्रेशर, ठीक है, तो बचपन में पढ़ाया गया था प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज एम एल टी -2, जैसा कि मैंने कहा था फोर्स उन फिजिकल क्वांटिटीज में से है जो बहुत फ्रिक्वेंटली तुम्हारे पास आएंगे, है ना। एरिया इज एज यूजल एल स्क्वायर। ठीक है, तो एल से एक पावर कैंसिल, एल ऊपर जाएगा, तो प्रेशर का डायमेंशन एम एल -1 टी टू दी पावर -2, ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन। याद रहे कि प्रेशर का डायमेंशन ये होता है। ठीक है, फाइन। नाइन्थ इज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला, हालांकि स्ट्रेस प्रेशर नहीं होता है, वो डिफरेंट चीज़ है, मगर फॉर्मूला दोनों का सेम है। ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, दिस वाज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का डायमेंशन भी सेम आएगा लाइक फोर्स, तो ये भी हो गया। स्ट्रेस का डायमेंशन कितना आएगा, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। तो स्ट्रेस और फोर्स ये दो और ऐसे मिल गए जिनका डायमेंशन सेम है। इसके पहले क्या मिला था, इम्पल्स और लेनियर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है। जिनके सेम होते अगर याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, रटना नहीं है, करते करते चलो, देखते चलो। तो किसका किसका सेम मिला, इम्पल्स का और लीनियर मोमेंटम का सेम मिला। आगे क्या मिला हमको, आगे मिला हमें प्रेशर और स्ट्रेस का हमें सेम मिला। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला वही था, फोर्स अपॉन एरिया। अब इसके बाद एक चीज़ तुमको और बताऊं, एग्जाम में देखो परेशान करने के लिए क्या आता है, स्ट्रेस का नहीं पूछेगा पता, यंग्स मॉडल्स का पूछ लेगा। बच्चे पर जा रहे, यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या होता है, बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला क्या होता है। एग्जाम में पूछ लिया मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी का डायमेंशन बताओ, बच्चे परेशान। तो चाहे यंग्स मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी हो, ये तीनों जिनका नाम ले रहा हूँ मैं, पता है ना क्या है, क्लास 11th चैप्टर का नाम इलास्टिसिटी, याद है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी, ये तीन कॉफिशेंट्स हम लोग पढ़ते हैं उस चैप्टर में। बच्चों तीनों का डायमेंशन सेम होता है और वही जो स्ट्रेस का डायमेंशन है, यही सब बात तुमको ध्यान रखनी है। अब किसी को पूछ लिया कि बल्क मॉडुलस का डायमेंशन, अब बच्चे परेशान, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, याद भी कर लिया फॉर्मूला फिर लगाना शुरू कर, टाइम खर्च होगा, तो कुछ बातों को ध्यान रखना है। तो मैं लिख भी दे रहा हूँ कि स्ट्रेस बेचारा अकेला नहीं है, अगर यंग्स मॉडुलस आए या बल्क मॉडुलस की जरूरत पड़े,
या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की बात हो, इन तीनों में कभी भी अगर डायमेंशन पूछा तो याद रखना इन तीनों का डायमेंशन वही होगा जो स्ट्रेस का निकाले, वो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और जो प्रेशर का होता है वो तो है ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन सारे के फॉर्मूले में क्या आता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कुछ हल्का फुल्का याद आ रहा होगा। अब स्ट्रेन का डायमेंशन तो होता नहीं है, तो इनका डायमेंशन वही होगा जो स्ट्रेस का होगा। तो सब छोटी छोटी बातों को याद रखोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो स्ट्रेस का डायमेंशन, और चाहे यंग्स मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे मॉडुलस ऑफ एसिडिटी हो, इन सब का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। सब सेम ही चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। चलो, टेंथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो टेंथ में हमको मिलता है एक सरफेस टेंशन। नाउ सरफेस टेंशन की बात करते हैं एक बार, ठीक है। अब सरफेस टेंशन का डायमेंशन तुमने पहले ही कहा, भाई फॉर्मूला याद करो, डायमेंशन है। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ से निकाल सकते हो। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पढ़ोगे, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। अभी फोर्स क्या है, कैसे है, लेंथ क्या है, सब जब पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के बारे में तो विधिवत उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल डायमेंशन की बात करेंगे तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू एंड लेंथ इज एल, एल से एल कैंसल्ड आउट, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या मिल गया, एम टी टू द पावर माइनस टू, ठीक है। इलेवेंथ, इलेवेंथ इज, चलो एक ऐसी वैल्यू जो मिलती जुलती हो, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग में हम लोग बहुत इस फॉर्मूले को हम लोग पढ़ते हैं, याद होगा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना, बहुत पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को हम लोग स्प्रिंग में। अब इसी में जो के है वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसका डायमेंशन पूछ लिया मुझसे या इसकी जरूरत पड़ गई है मुझको, तो के का अगर यहाँ से मैं निकालूँ फॉर्मूला तो f बाई एक्स आएगा, ठीक है। नेगेटिव से मतलब नहीं, मूव डायमेंशन से मतलब है f बाई एक्स। f क्या है, फोर्स है। x क्या है, ज़्यादा x क्या है, x क्या होता था, हल्का सा अगर तुमको ध्यान दिला दूँ तो x क्या होता था, जब हम स्प्रिंग को खींचते थे तो उसके लेंथ में जो चेंज होता है, या कंप्रेस करते हैं तो जो लेंथ में चेंज है वही तो एक्स है। ये भी तो फोर्स अपॉन लेंथ ही हुआ, जैसे कि यहाँ था फोर्स अपॉन लेंथ। तो एक बात और पता चल गई कि सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम कैटेगरी के हैं। इन दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा, निकाल चुके ऊपर, एम टी टू द पावर माइनस टू, ठीक है। तो ये भी हमको मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होंगे जिनका अपना अलग इम्पोर्टेंस, अपना अलग एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन डायमेंशन सेम होगा उनका। तो उनमें से ये दोनों भी हैं, ठीक है। तो कॉपी कर लो फटाफट इसे, आगे चलेंगे। अभी और 150 डायमेंशन पढ़ना है, जल्दी करो। तो कॉपी कर लिया होगा तो हम लोग आगे की तरफ चलें और आगे डायमेंशन पढ़ते हैं कुछ अलग फिजिकल क्वालिटीज का, ठीक है। डायमेंशन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और जब देख भी रहो कि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इलेवेंथ के बाद लेट अस मूव टू ट्वेल्थ। चलो चीज़ की और तुमको बताता हूँ, बात करता हूँ, कि मैंने तुमको बताया कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमको चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है। छोटे बड़े से मतलब नहीं, पहले चीज़ें क्लियर करना जरूरी है। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन बहुत पड़ी हमको। तो फ्रीक्वेंसी इज रिवर्स ऑफ टाइम पीरियड, जैसा कि हम जानते हैं, है ना। टाइम पीरियड का जो रिवर्स होता है वही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो नीचे टाइम है, ऊपर चला जाएगा ये, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी टू द पावर
माइनस वन, तो ये हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। आगे अगर हम लोग चलें और बात करें, टॉर्क एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टॉर्क, तो टॉर्क के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, पढ़े होंगे, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मैकेनिक्स में इसकी बात होगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस है। अब टॉर्क का डायमेंशन जो आएगा वो वर्क और एनर्जी के सेम आएगा, तो टॉर्क और एनर्जी भी सेम वाले होंगे। अभी 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 तक अगर तुमको बुलाऊं तो क्या कहेंगे, सुनो। सबसे पहले क्या मिला, मान जाओ तो कॉपी में कहीं लिख लेना, काम ही आएगा। इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम सेम होते हैं, डायमेंशन वाइज सेम होता है ना। आगे फिर क्या देखा, प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम है। फिर देखा सरफेस टेंशन और फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन सेम है। फिर देखा एनर्जी और टॉर्क का डायमेंशन, देखो सेम भी आएगा, ठीक है। तो देखते हैं टॉर्क का डायमेंशन कितना आता है। तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, लेंथ एज यूजल एल, डिस्टेंस, तो ये कितना हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब कहाँ टॉर्क और कहाँ एनर्जी, दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है, दोनों का अपना अलग अलग मतलब है, मगर डायमेंशन सेम है। हालांकि दोनों की यूनिट अलग अलग होती है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, जिसको जूल नहीं कहते हैं, सिर्फ न्यूटन मीटर ही कहते हैं। वर्क वाला न्यूटन मीटर जूल कहलाता है, ये वाला न्यूटन मीटर जूल नहीं, सिर्फ न्यूटन मीटर। डायमेंशन दोनों के सेम है, तो वर्क एनर्जी और टॉर्क भी मिल गया, सेम कैटेगरी वाले जिनका डायमेंशन सेम है। आगे चलते हैं, इसी चैप्टर में एक चीज़ और हम लोग पढ़ते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस चैप्टर में पढ़ते हैं, रोटेशनल मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अगर मैं तुमको याद दिलाऊं तो क्या था, एम आर स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू एम इज मास, आर इज डिस्टेंस, तो लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। इसी में एक और चीज़ हम लोग को पढ़ने को मिलती है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अगर याद थोड़ा बहुत हो तो एक बहुत, इसके तो बहुत फॉर्मूले होते हैं, कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो, सिंपल सा फॉर्मूला, एम वी आर, मास इनटू वेलोसिटी, है ना, और जो एक्सिस से डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन थ्रू होगा। तो अब इसका डायमेंशन निकाला जाए एंगुलर मोमेंटम का, एम इज मास, वी इज एज यूजल वेलोसिटी, आर इज लेंथ, तो डायमेंशन क्या मिल गया, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस वन। ये हो गया तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, कभी कभी जे से भी डिनोट करते हैं, तो ये एल और ये एल में कन्फ्यूज मत होना। अगर चलो मैं जे ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, जे ही लिख देता हूँ, कभी कभी इसको जे से भी डिनोट करते हैं। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एम एल स्क्वायर टी माइनस, ठीक है। चलो 15th के बाद 16th, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और पढ़ते हैं जो कि बहुत पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बताओ, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन मैं तुमको कराऊंगा भी, जहाँ पे इसके डायमेंशन की बहुत तुमको जरूरत पड़ेगी। डायमेंशन वहाँ तुमको इसका पूछा नहीं जाएगा, है ना, कि डायमेंशन क्या होता है, रेयरली ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहले आता होगा तो नहीं आता। हाँ, कोई एक क्वेश्चन होगा जहाँ तुमको जी के डायमेंशन की सख्त जरूरत पड़ेगी, अब वहाँ पर याद होगा तुम और उसे आगे रहोगे, नहीं होगा तो फिर क्या फॉर्मूला यूज़ करो, निकालो, 10-20 सेकेंड उसमें खर्च होगे, तो याद रहेगा तो यू विल बी अहेड, ठीक है।
तो अगर फॉर्मूले की बात किया जाए, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आई स्क्वायर बोल सकते हैं, जरा पहचाना फॉर्मूला ये भी। तो जी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू, ठीक है। तो एज वी नो दैट फोर्स का डायमेंशन एम एल टी टू दी पावर माइनस टू है ना, डिस्टेंस का डायमेंशन लेंथ का स्क्वायर, और मास का डायमेंशन एम स्क्वायर है ना। इस वो फॉर्मूला पता ही होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, वहाँ से कैपिटल जी को हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, क्या इसका डायमेंशन आने वाला है। एक पावर कैंसिल, एम ऊपर भी चला जाएगा, एम टू दी पावर माइनस वन एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब एन टी टू दी पावर माइनस टू। तो ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट एम माइनस क्यूब सॉरी एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, ठीक है। तो ये डायमेंशन भी बहुत, इसमें इस पर अगर तुम कहो तो मैं इस पर स्टार लगा दूँ, ठीक है। स्टार का मतलब ये समझना कि तुम्हारा जो डायमेंशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अदर्स डायमेंशन के कंपैरिजन में। तो चलो मैं यहाँ पे स्टार लगा ताकि तुमको पता हो कि डायमेंशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका यूज़ बहुत होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ तक करो, फिर आगे चलते हैं टू 17th एंड ऑनवर्ड्स जल्दी। तो अब इन लोग को हटाते हैं और आगे चलते हैं और फिजिकल क्वालिटीज़ का डायमेंशन पढ़ते हैं। अब यहाँ पर तुमको एक चीज़ बताता हूँ मैं, दो तीन डायमेंशन ऐसे आए थे। ऐसे एक था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अभी तो नीट एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ना, एक मैच द कॉलम करके आया था कि यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज लिखी थी और यहाँ पे डायमेंशन निकला। तुमको क्या करना था, सिंपली मैच करना था, ठीक है। तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात किया था, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन पता करने के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो तो मतलब जो है वो तो हम लोग पढ़ेंगे आगे, मगर सिंपल से अगर तुमको बात किया जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो एक फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा आगे के, आगे हम लोग जिसको डिफाइन करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वर्क अपॉन मास आएगा। एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट मास इसका डिफिनेशन होता है ना, एक मास को हम लाते हैं इन्फिनेट से कुछ, अगर याद आ रहा हो तो जो यूनिट मास पर वर्क डन होता है वो तुम्हारा क्या होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो ये हाँ से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, वर्क का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और मास का डायमेंशन इज एम। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन तुमको क्या मिल गया, एल स्क्वायर टी माइनस टू। मैच तुम्हें मैच द कॉलम में एक क्वेश्चन था, चार इधर थे चार वहां, तुमको मैच करना था। तो अब तुमको ग्रेविटेशन पोटेंशियल का, अब तुम कहोगे सर ग्रेविटेशन पोटेंशियल का डायमेंशन जिसको याद होगा वही तो कर वही कर पाया होगा, ऐसा नहीं है। जिसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन भी पता होगी, उसका मतलब पता होगा कि ये होता है वर्क पर यूनिट मास। तो इस पर कुछ बच्चे परेशान कि सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन हम नहीं याद करे गए थे, जो याद करे गया होगा वो क्यों, ऐसा नहीं है। तुम अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़े हो, तुमको उसका डेफिनेशन याद है, उसकी मीनिंग याद है, फॉर्मूला याद है, वहाँ से निकाल सकते हो कि वर्क डन पर यूनिट मास होता है, आ गया तुम्हारा डायमेंशन। तो वही मैं कह रहा हूँ, फॉर्मूले पर फोकस करो, अपने आप डायमेंशन सबका निकल जाएगा, बस 5-10 सेकेंड की बात है, उसको बस तुमको फाइंड करना होगा। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, अब ये आ गया सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो पढ़े, बड़ा कॉमन है, बड़ा पढ़ते हैं,
ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी हम तो गड़बड़ है, ये भी तो नीट एग्जाम में आया क्वेश्चन है ना, इसी के साथ आया था। अब ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, तो यूनिट मास फोर्सेस एम एल स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर बोलो, एम एल टी माइनस टू फोर्स का डायमेंशन डिवाइड बाई मास, तो मास मास कैंसल्ड आउट, तो डायमेंशन क्या मिल गया तुमको, एल टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है, तो ये हो गया डायमेंशन तुम्हारा किसका, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास दैट इज एल टी माइनस टू। कुछ याद आया एल टी माइनस टू से, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू अभी लिखा था। अरे भैया एक्सेलरेशन फिर मिल गया, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एल टी माइनस टू, फिर देखो दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, कहाँ एक्सेलरेशन कहाँ ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, दोनों का बिल्कुल मतलब डिफरेंट है, लेकिन फिर भी दोनों का डायमेंशन सेम है। तो याद रहेगा किसका किसका सेम आ रहा है, जिनका जिनका सेम आए नोट डाउन अलग से करते रहना। उसी कड़ी में एक और मिल गया, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एंड एक्सीलरेशन का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है चलो आगे चलें, और हम लोग अब बढ़ते हैं कुछ कॉन्स्टेंट्स की तरफ। तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की बात कर लिया जाए, ठीक है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की बात कर लिया जाए। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का बड़ा ही जाना पहचाना चिर परिचित फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ अ फोटॉन, है ना, सबको पता होगा। एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ई इज एनर्जी, और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू ई बाई न्यू कर दिया जाए, तो एनर्जी इज एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, फ्रीक्वेंसी इज टी टू द पावर माइनस वन, ये ऊपर जाएगा तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस, ऊपर गया तो प्लस से कितना जाएगा, माइनस वन एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का डायमेंशन आ गया। अब ये किसके इक्वल है, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम, चेक कर लो सेम आया था। ये एक और तुमको मिल गया कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है, कहीं इस जमीन आसमान में इनका कोई मतलब नहीं है, एकदम एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी दोनों का डायमेंशन सेम है। ठीक है, ये एक छोटा सा डायमेंशन का फ्लॉ है जिससे वो कहीं कहीं तकलीफ होती है डायमेंशन को यूज़ करने में, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, डायमेंशन सेम हो गया तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का। आगे अगर हम लोग चलें और टुवर्ड्स गैस कांस्टेंट का हम लोग चलो बात कर लेते हैं। ठीक है, या गैस कांस्टेंट की बातें बात, चलो पहले हम लोग एक चीज़ और छूट रही थी मेरे ख्याल से, पावर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला ऐसा कि हम सब जानते हैं, वर्क पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में जो वर्क करते हो वो तुम्हारा क्या होता है, तो पावर का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एज यूजल, एंड टी इज टाइम। तो पावर का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस थ्री, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा डायमेंशन ऑफ पावर। ठीक है, तो यहाँ तक और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, डू इट। अच्छा, तो आज हम लोग यहाँ पर पे अब स्टॉप करते हैं। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट डे हमारा है नीट 2023 में कमाल दिखाने का, एक प्रोसेस का आज पहला दिन। ठीक है,
आज तुमको मैंने समझाया बताया कैसे हमारा आगे बढ़ेगा, कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। जो भी ड्रॉपर्स बच्चे हैं, जो भी ड्रॉप लेना चाहते हैं इस बार, लाइक तुम नीट का एग्ज़ाम दी होगा, रिजल्ट अभी नहीं आया है, बट ज़्यादातर बच्चों को पता चल जाता है कि रिजल्ट इस बार कैसा और क्या होने वाला है। एग्ज़ाम देने के बाद एक अपना अंदाज लग जाता है कि यार हम कहाँ लाई करते हैं। तो जिन बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार मुझको अब बहुत हो गया, अब ड्रॉप लेकर के सीरियसली अब मन से प्रिपरेशन करना है, वो लोग आ जाएं। और जो बच्चे 12th के हैं, 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर टारगेट है, वो भी आ जाएं। बाकी जिसको आने वो भी आ जाएं। तो फिर हम लोग शुरू करेंगे और शुरू कर दिए हैं इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर के लिए। और मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं कि यार कैसे होगा क्या होगा, तो इन सब चीज़ का सोल्यूशन एक एक करके हम लोग देखेंगे समझेंगे। प्रॉब्लम्स पे फोकस कम, उसके सोल्यूशन पर फोकस ज़्यादा, यही गुरु मंत्र हमेशा तुमको पकड़ के चलना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना ही, थैंक यू सो मच।